नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। रीवा जनपद अध्यक्ष डॉक्टर सिद्धार्थ ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने सबसे पहले किसानों की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने की रणनीति बनाई। उन्होंने लक्ष्य बनाया कि किसानों की ऋण माफी योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले और जो योजनाएं सरकार की चल रही वो जमीन पर दिखाई दें। रीवा जनपद अध्यक्ष डॉक्टर सिद्धार्थ शुक्ल ने पूर्व अध्यक्ष केपी त्रिपाठी द्वारा खाली कुर्सी को निर्विरोध जीतने के बाद बुधवार को जनपद कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण करने के बाद रीवा दर्शन से खास बातचीत करते हुए अपनी पहली प्राथमिकता किसानों की ऋण माफी योजना क्रियान्वयन बताया। साथ ही कन्या विवाह योजना में मिलने वाली राशि दिलाना सुनिश्चित करना बताया। आइए सुनते हैं क्या कहा प्राथमिकता के आधार पर डॉक्टर सिद्धार्थ शुक्ल ने। आज हमारे साथ मौजूद हैं रीवा जनपद के अध्यक्ष डॉक्टर सिद्धार्थ शुक्ल जी। अभी आपने हाल ही में हुए चुनाव में निर्विरोध 24 सदस्यों के बीच में बगैर किसी विरोध के आपने अध्यक्षी का पद संभाला है। इसके पहले यहाँ पर जो भी अध्यक्ष हुआ करते थे वो सिमरिया से विधायक हो गए। मैं बात कर रहा हूँ केपी त्रिपाठी। आज हमारे साथ सिद्धार्थ शुक्ला जी। केपी त्रिपाठी ने जो जगह खाली की उसकी भरपाई। आपकी पहली प्राथमिकताएं क्या क्या है? पहली प्राथमिकता है सरकार द्वारा जितनी रोजगार मूलक योजनाएं चल रही हैं हितग्राहियों के पक्ष में, वो सब सही तरीके से उन तक पहुँचे, गरीब किसानों तक पहुँचे, यही अपनी प्राथमिक मांग है। और इस समय पर सरकार की जो नई योजना ऋण माफ़ी की चल रही है, इसमें हमारे सभी कर्मचारी कार्यरत हैं, वो सही तरीके से अपना कार्य करें और किसानों को लाभ पहुँचाएँ। सरकार की एक योजना है कन्या माफी, विवाह में जो रकम देने की थी वो भी अभी काफ़ी बढ़ा दी गई है, तो उसको किस तरीके से आप पूरा करेंगे? जो राशि बढ़ा दी गई 51,000 कर दी गई है, तो उसको अपने जनपद कार्यालय जिस तरीके से क्रियान्वयन होता होगा उस हिसाब से उसको निकालेंगे और उस तरह पहुँचाएंगे। किसानों को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्थितियाँ यहाँ पर गंभीर हैं। कुछ किसानों ने लोन लिया भी नहीं फिर भी उनके खाते में लोन बताया जा रहा है। ये कमलनाथ सरकार का सबसे प्राथमिक काम था। इसमें जो गंभीरता है उस गंभीरता जैसे कुछ जो गड़बड़ियाँ हैं उनको दूर करने का क्या तरीका सोचा? गड़बड़ियाँ तो कमलनाथ के यहाँ से हुई नहीं, ये तो बैंक के कर्मचारी और जो अपने बीच के हितग्राही या कि हितग्राही ना भी हो उनके बीच की गड़बड़ियाँ हैं। ये इसमें पिसा किसान जो लोन लिया नहीं और उनका नाम लोन में शामिल किया गया है, तो ये बीच के जो करियाँ हुआ करती हैं उनके कारण ये सब नुकसान हो रहा है और नुकसान किसान को हो रहा है। जो अगर पकड़े गए इस तरीके के लोग तो क्या उनके खिलाफ कठोर से किस तरीके की कार्रवाई? पकड़े गए लोगों पर जितनी भी कानून व्यवस्था है कार्रवाई वो सब की जाएगी। एक साल का कार्यकाल आपका बचा है, एक साल में आप सबसे पहला काम अगर आपसे कहा जाए तो क्या करना चाहेंगे? पहला काम और शुरू में भी बता चुके कि हमारी सरकार द्वारा चलाई गई जितनी भी योजनाएं हों वो हितग्राहियों को सही तरीके से पहुंचे, उनका काम सही तरीके से चले। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ शुक्ला अध्यक्ष रीवा जनपद। आपका कहना है एक साल के कार्यकाल में हमारी पहली प्राथमिकता वही होगी जो भी सरकार की योजनाएँ हैं वो सीधे के सीधे सारे उन लोगों तक पहुँचे जिनको उनकी जरूरत है। रीवा दर्शन के लिए मैं चाहता हूँ।